नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग MIUI थीम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो है डायनामिक आइलैंड जो iOS 14 प्रो में मिलता है वो जो फीचर्स है अवेलेबल है। आप चाहो तो MIUI थीम के साथ उस फीचर को एनेबल कर सकते हो सभी रेडमी शामी पोको डिवाइस के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो है iOS 16 थीम के साथ साथ यहाँ पर जो है मेटेरियल यू का जो सपोर्ट है एंड्रॉयड 12 का जो थीम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा, वहां पर जाके सभी थीम को डाउनलोड कर सकते हो। सभी थीम को थीम स्टोर से डाउनलोड करना होगा। रेडमी शाओमी पोको डिवाइस पर काम कर दीजिएगा। प्लस MIUI 12.5 MIUI 13 के साथ काम करते हैं। सबसे पहले इस थीम को अप्लाई करते हैं। तो इस थीम के साथ जो है पर डायनामिक आइलैंड का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। सिंपली इस थीम को अप्लाई करने के बाद जो है फोन के वजह से रीस्टार्ट करना होगा। एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस तरह से डायनेमिक आइलैंड को एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ डायनेमिक आइलैंड को एनेबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सीरीज में जाना होगा। तो यहाँ पर सिंपली लॉक स्क्रीन के ऊपर जाके यहाँ पर स्वाइप करके स्वाइप करने के बाद जो है सेटिंग्स में देने को मिलेगा। इस सेटिंग्स में टैप करना होगा। सेटिंग्स में टैप करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, स्मार्ट म्यूजिक का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करना होगा। ये तीन ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है डायनेमिक आइलैंड जो है एनेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर जो स्मार्ट म्यूजिक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है पर डायनेमिक आइलैंड को ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से iOS 16 जैसा यहाँ पर जो वॉलपेपर को ऐड किया गया है। ऐप आइकन की अगर बात करें तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। सिस्टम एप्लीकेशन के साथ ये जो ऐप आइकन यहाँ पर काम कर जाएगा इस थीम के साथ। एंड यहाँ पर क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर बैटरी परसेंटेज के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है UI देने को मिल जाएगा। एंड ऐसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है कंट्रोल सेंटर के साथ, काफी बढ़िया बात है। डायलर की अगर बात करें इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से डायलर के साथ UI देने को मिलता है, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है पर UI देने को मिलता है। सीरीज मोड की अगर बात करें कुछ इस तरह सीरीज मोड के साथ जो है ऐसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर माई डिवाइस के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। माई डिवाइस के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है। सिंपली यहाँ पर हम MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है सेलेक्ट करते हैं। पर MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। एंड ये जो थीम है दोस्तों MIUI 13 के साथ भी काम कर जाते हैं, काफी बढ़िया बात है। एंड इस तरह से यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो स्विच स्टाइल है देने को मिलता है। एंड लॉक स्क्रीन का जो UI है काफी बढ़िया है, बैटरी परसेंटेज देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर बैटरी परसेंटेज स्टेप काउंटर का ऑप्शन है पर क्लॉक विजेट्स को ऐड किया गया है। एंड ब्लूटूथ वाईफाई मोबाइल डाटा इस सब ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। जरूर से इस थीम को आप ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। एंड ये जो थीम है तो इस थीम का नाम है प्रोजेक्ट iOS 13। एंड इस थीम के साथ आपको यहाँ पर पिक्सल वाइज का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पिक्सल डिवाइस को जो आइकन पैक है ऐड किया गया है। तो पर स्टॉक एंड्रॉयड के साथ जिस तरह से आइकन पैक देने को मिलते हैं उस तरह से आइकन पैक देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आइकन पैक देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हो। प्लस जो क्लॉक जिसको जो है इस तरह से एनिमेशन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो वॉलपेपर है काफी डिफरेंट है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें पर MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलते हैं, ऐसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है। कंट्रोल सेंटर के साथ जो काफी डिफरेंट ऐप आइकन देने को मिलता है। डायलर की अगर बात करें कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट डायलर एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ यहाँ पर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ जो है UI देने को मिलेगा। इस तरह से इसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है, इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। माई डिवाइस की अगर बात करें कुछ इस तरह से इसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है। माई डिवाइस के ऊपर कुछ इस तरह से चेंजेस देने को मिल जाता है। सिंपली अगर हम MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते हैं पर MIUI 12 के साथ जो कंट्रोल सेंटर के ऊपर कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है।
एंड इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है कॉन्टोर सेंटर के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर MIUI 11 के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, यहाँ पर MIUI 12 के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जो है स्विच स्टाइल में कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है, कुछ बढ़िया UI देने को मिलता है। अगर बात करें लोकेशन के बारे में कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस थीम के साथ जो है एंड्रॉइड 12 जैसा लोकेशन का जो UI है देने को मिलता है, एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 का जो लोकेशन का ऐड किया गया है कुछ इस तरह से, एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 का जो लोकेशन है यहाँ पर देने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो है इस थीम को अप्लाई किया है एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है एंड यहाँ पर जो है ऐप आइकन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ ये जो ऐप आइकन यहाँ पर काम नहीं करता है एंड सिस्टम एप्लीकेशन के साथ जो है ये जो ऐप आइकन यहाँ पर काम कर जाएगा एंड अलग अलग यूजर्स को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से जो है पर क्लॉक यूजर्स देने को मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज की अगर बात की कुछ इस तरह से सरस बर्ड के साथ जो है बैटरी परसेंटेज प्लस पर जो है ब्लूटूथ आइकन देने को मिलेगा, काफी बढ़िया बात है। पर सरस बर्ड के साथ भी बच्चों चेंजेस देने को मिल जाएगा एंड पर जो ऐप आइकन है काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलता है इस थीम के साथ। अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है, पर वॉल्यूम पैनल जो है पर बाय डिफॉल्ट जो वॉल्यूम पैनल है देने को मिलता है। अगर बात करें सेटिंग्स मोड के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो है पर सेटिंग्स मोड जो है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, काफी डिफरेंट सेटिंग्स मोड देने को मिलता है। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है पर जो सेटिंग्स मोड है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मोड के साथ जो है पर UI देने को मिलेगा, इसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है। पर जो सेटिंग्स मोड के साथ जो है रीडिजाइन सेटिंग्स मोड देने को मिल जाएगा। माय डिवाइस की बात करें पर माय डिवाइस पर जो है ये पर जो आइकन है इसमें चेंजेस देने को मिलते हैं, तो पर माय डिवाइस के साथ भी बच्चे चेंजेस देने को मिल गया है, कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा इस थीम के साथ। एंड यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो स्विच स्टाइल है भी चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से बच्चे स्विच स्टाइल देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देने को मिलेगा, यहाँ पर MIUI 12 के साथ कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है। सिंपली यहाँ पर हम MIUI 11 को सिलेक्ट करते हैं, पर MIUI 11 के साथ भी यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर के ऊपर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर MIUI 11 MIUI 12 के साथ जो कंट्रोल सेंटर के साथ कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें लोकेशन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन को ऐड किया गया है, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन अवेलेबल है उसे ऐड किया गया है इस थीम के साथ। एंड इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है, जरूर से इस थीम को एक बार चाहो तो चेकआउट करके देख सकते हो। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, सिंपली नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते एंड इस थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को जरूर से रीसेट करना होगा, रीसेट करना जरूरी है। एंड सबसे पहले यहाँ पर जो सरस की अगर बात करें, जो ब्लूटूथ आइकन हो जाए बैटरी पार्सन हो जाए इसमें जो है बट चेंजेस देने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलता है इस थीम के साथ सरस के ऊपर। अगर बात करें वॉलपेपर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो काफी डिफरेंट वॉलपेपर देने को मिल जाएगा, पर कुछ इस तरह से क्लॉक यूजर्स को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यानी पर जो ऐप आइकन है काफी बढ़िया है एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से एनिमेशन को ऐड किया गया है, पर जो क्लॉक एनिमेशन को भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफी बढ़िया बात है, कुछ इस तरह से एनिमेशन देने को मिलेगा। अगर बात करें पर ऐप आइकन के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिल जाएगा, पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी ये जो ऐप आइकन है पर काम करते हैं, प्लस जो सिस्टम एप्लीकेशन के साथ भी ये जो ऐप आइकन जो है पर काम कर जाएगा, इस पर ऐड किया गया है। तो पर ऐप आइकन क्लॉक एनिमेशन प्लस सरसवर के साथ भी पर जो है चेंजेस देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, यहाँ पर जो है MIUI 11 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर के साथ काफी बढ़िया UI देने को मिलता है, इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है, प्लस राउंडेड ब्राइटनेस बार का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है ब्राइटनेस स्लाइडर के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। पर ब्राइटनेस बार के साथ भी मुझे चेंजेस देने को मिल जाएगा, तो पर MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर के साथ भी जो है काफी बढ़िया चेंजेस देने को मिलता है। सिंपली अगर बात करें डायलर के बारे में, यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से डायलर के साथ UI देने को मिलता है, काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा डिफरेंट UI देने को मिलता है इस थीम के साथ। यहाँ पर जो डायलर का जो UI है पर चेंजेस देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। अगर बात करें पर मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ UI देने को मिलता है। अगर बात करें पर सेटिंग्स मेनू के बारे में, यहाँ पर जो इस थीम के साथ जो सेटिंग्स मेनू का जो UI है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के ऊपर, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें माई डिवाइस के बारे में, कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है माई डिवाइस के ऊपर, तो यहाँ पर माई डिवाइस के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, यहाँ पर कुछ इस तरह से स्विच स्टाइल को ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा।
यहाँ पर कॉन्ट्रोल सेंटर के ऊपर जो है MIUI 11 के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर MIUI 12 को सिलेक्ट करते हैं पर MIUI 12 के साथ जो है कुछ इस तरह से कॉन्ट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो काफी बढ़िया UI देने को मिलता है इस तरह से, ऐसे भी ऐप आइकन को ऐड किया गया है। प्लस पर जो ब्राइटनेस के ऊपर जो राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है, पर जो राउंडेड ब्राइटनेस बार का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर के साथ ऐप आइकन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है। वॉल्यूम पैनल जो है बाई डिफॉल्ट वॉल्यूम पैनल देने को मिलेगा। अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन को ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन के साथ जो पर एनिमेशन को ऐड किया गया है, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है इस तरह से। बच्चे लॉक स्क्रीन के साथ UI देने को मिलेगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, गैलरी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। अलग अलग लॉक स्क्रीन को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन का जो UI है इसे आप चेंज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो है पर लॉक स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं, या पर नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। सिंपली थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार उसे रीस्टार्ट करना होगा। तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, पर बैटरी बार हो जाए और ब्लूटूथ आइकन के साथ कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है। अगर बात करें पर वॉलपेपर के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर को ऐड किया गया है, पर जो क्लॉक यूजर्स को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफी बढ़िया बात है। ऐप आइकन की अगर बात करें, इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलेगा, या पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ जो है कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलता है। प्लस पर जो सिस्टम एप्लीकेशन के साथ कुछ इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है इस थीम के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करें पर कंट्रोल सेंटर के बारे में, जो इस थीम के साथ कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ जो है पर UI देने को मिलता है, इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है। पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो काफी डिफरेंट ऐप आइकन देने को मिलेगा, या पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिल जाएगा एंड इस तरह से वॉलपेपर देने को मिलता है। अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में, पर कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता है। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ UI देने को मिलेगा। प्लस पर जो डायलर की अगर बात करें, कुछ इस तरह से डायलर का जो UI है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो डायलर है कम्प्लीटली पर चेंज हो गया है कुछ इस तरह से, डायलर के साथ जो है पर चेंजेस देने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें, तो इस थीम के साथ जो पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो ऐप आइकॉन है काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट ऐप आइकॉन देने को मिलता है कुछ इस तरह से, ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के साथ जो कुछ इस तरह से आइकॉन को ऐड किया गया है कुछ इस तरह से, सेटिंग्स मेनू का जो UI है देने को मिलेगा। प्लस ये सभी ऐप आइकॉन को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के साथ, काफी बढ़िया बात है। या पर सिंपली MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करते पर MIUI 11 के साथ कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, ऐसे भी आइकॉन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो कुछ इस तरह से स्विच स्टाइल देने को मिलता है। यहाँ पर MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर है इस थीम के साथ काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट UI देने को मिलता है इस थीम के साथ जो काफी बढ़िया लॉक स्क्रीन का जो UI है देने को मिलता है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है नेक्स्ट थीम को अप्लाई करते हैं। एंड ये जो थीम है इस थीम के साथ आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो मटेरियल यू का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा कुछ इस तरह से वॉलपेपर को ऐड किया गया है। अगर बात करें पर ऐप आइकॉन के बारे में, तो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ऐप आइकॉन के साथ UI देने को मिलता है, पर जो है मॉडर्न UI का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। या पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी जो ऐप आइकॉन पर काम करते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन को छोड़ के मोस्टली सभी एप्लीकेशन के साथ जो पर ये जो ऐप आइकॉन पर काम कर जाएगा इस तरह से UI देने को मिलता है, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देने को मिलता है, पर ब्राइटनेस बार का जो UI है कुछ इस तरह से ऐड किया गया है, राउंडेड कॉर्नर को ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से आइकॉन देने को मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर के साथ। अगर बात करें पर सरस बार के बारे में, बच्चे ब्लूटूथ आइकॉन हो जाए, बैटरी परसेंटेज हो जाए कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें डायलर के बारे में, डायलर के साथ प्लस मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस देने को नहीं मिलता। ओके, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है पर थोड़ा सा चेंजेस देने को मिल गया है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ जो है पर UI देने को मिलेगा, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, इस तरह से आइकॉन को ऐड किया गया है ये सभी ऑप्शन से। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली पर रीडिजाइन हो गया है, काफी डिफरेंट यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू देने को मिलता है। यहाँ पर MIUI 11 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर के साथ UI देने को मिलेगा, पर ब्राइटनेस बार को ऐड किया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से UI देने को मिलता है पर ब्राइटनेस बार के साथ, एंड इस तरह से ऐप आइकन को ऐड किया गया है ब्राइटनेस बार के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड
इस तरह से मुझे स्विचेस को भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ। अब जरूर से इस थीम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड सभी जो थीम है MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13 के साथ काम कर जाएगा Redmi, Xiaomi, Poco डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। MIUI थीम का जो प्लेलिस्ट है वो पर जाकर अलग अलग थीम्स को चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।